नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला, यार अभी कोई चीप एलईडी प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करो। सो गाइस, फाइनली हमारे पास वो प्रोजेक्टर पहुँच गया है। और गाइस, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग, और बहुत ही चीप और किफ़ायती एलईडी प्रोजेक्टर है। तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है वो एलईडी प्रोजेक्टर, और आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी एक्चुअल इमेज आपको देखने मिलती है। यहाँ पे लिखा है एलईडी प्रोजेक्टर कॉस्ट एफिशिएंट। और गाइज, यहाँ पे बॉक्स के साइड में आपको देखने मिलते हैं उसके सपोर्टेड फाइल, जैसे कि इसमें जो ऑडियो पिक्चर्स है या फिर वीडियो है, कौन से फाइल सपोर्ट करते हैं, और इसका जो रेजोल्यूशन फॉर्मेट्स कितने हैं। और गाइज, बॉक्स के ये तरफ आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि ये है TFT LCD, उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने मिलता है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको देखने मिलता है, जो है मिनिमम है 320 और मैक्सिमम है 1080। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिए गए, जैसे उसका पावर इनपुट कितना लगता है वगैरह वगैरह। और गाइज, बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक स्पॉन्ज मटेरियल, काफ़ी अच्छे स्पॉन्ज मटेरियल में पैकिंग में आया है। गाइस, यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा एक्चुअल प्रोजेक्टर। गाइस, आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट है, मतलब मेरे हाथ में कम्प्लीटली बैठ जाता है। यहाँ पे हम रैप से इसे निकालते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट और कितना मस्त ये प्रोजेक्टर लग रहा है, कितना मिनी है, और आप देख सकते हो कम्प्लीटली मेरे ये हाथ में बैठ जाता है। सो गाइस, काफ़ी बढ़िया ये एलईडी प्रोजेक्टर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो इसे फ़िलहाल हम रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। सो गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका रिमोट कंट्रोल। गाइज, यहाँ पे और एक चीज़ जो है उसका पावर अडाप्टर, वो आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है AV कनेक्टर, जिसकी हेल्प से आप TV से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। और गाइज, यहाँ पे फाइनली आपको देखने मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसकी हेल्प से आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे इसे ऑपरेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती हैं। और गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलता है क्वालिटी चेक का एक छोटा सा पेपर। सो गाइज, ये सारी चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर देखने मिलती है। तो अभी हम पावर ऑन करके देखते हैं कैसे ये वर्क करता है एग्जैक्टली। सो गाइज, इसे पावर ऑन करने के पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कुछ बटन्स, जिसके हेल्प से आप प्रोजेक्टर को बेसिकली ऑपरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको मिलता है पावर बटन, यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट एडजस्ट वगैरह कई सारे बटन्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है माइक्रो SD का स्लॉट, जिसकी हेल्प से आप माइक्रो SD से भी इसमें जो है मूवीज़ वगैरह प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, जिसकी हेल्प से भी आप इसे पावर ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने मिलता है AV पोर्ट, यहाँ पे आपको देखने मिलता है हेडफोन जैक। और गाइज, यहाँ पे आपको कई सारे वेंट्स देखने मिलते हैं, जिसकी हेल्प से इसके अंदर जो हीट है वो बाहर गिरेगी। गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलता है DC इनपुट, जिसके हेल्प से जो अडाप्टर है आप कनेक्ट करके इसे भी पावर ऑन कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलता है ऑन ऑफ का टॉगल, यहाँ पे आपको देखने मिलता है HDMI केबल, यहाँ पे आपको देखने मिलता है USB पोर्ट, जिसकी हेल्प से आप HDMI या फिर USB से दोनों से भी इसमें जो है कुछ भी कंटेंट प्ले कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे आगे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका स्पीकर ग्रिल। सो गाइज, ये है स्पीकर, यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसकी एक्चुअल लेंस, जिसकी हेल्प से आप इसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा उसका फोकल एडजस्ट पॉइंट, जिसकी हेल्प से आप जो है इसका फोकस एडजस्ट कर सकते हो। और गाइज, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है पॉइंट, जिसकी हेल्प से आप इसे ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हो, और फिर उसकी हेल्प से आप इसमें इजीली मूवीज़ या फिर कोई भी कंटेंट है एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, इसके साथ हमें देखने मिलता है और एक चीज़, जो है ये रिमोट कंट्रोल। तो इसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो कितना बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का ये रिमोट कंट्रोल लग रहा है। और गाइज, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका बैटरी कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आपको इंसर्ट करनी है 2 AAA बैटरीज। तो अभी हम बैटरीज इंसर्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने बैटरी इंसर्ट कर दी है, तो अभी हम इसे पावर ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट करता है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसे ट्राइपॉड पे माउंट किया और यहाँ पे पावर सोर्स से इसे कनेक्ट किया, और यहाँ पे आपको एक LED देखने मिलेगी। सो गाइज, अभी हम इसे पावर ऑन करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप को मैंने HDMI से कनेक्ट कर दिया है, और अभी हम जो है इसका जो प्रोजेक्टर है उसे भी हम HDMI से कनेक्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में आपको देखने मिलेगा उसका HDMI का स्लॉट। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने HDMI जो है कनेक्ट कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ जो है लैपटॉप और ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। सो गाइज, अभी मैं इसमें मेमोरी कार्ड जो है इंसर्ट करता हूँ, और पेन ड्राइव भी इसमें इंसर्ट करके रख देता हूँ।
सो गाइज यहाँ पे हमारे पास है ये 16 GB का मेमोरी कार्ड। सो अभी हम इसमें इंसर्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर दिया है और गाइज यहाँ पे मेरे पास है ये पेन ड्राइव, तो इसे भी हम इंसर्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और HDMI केबल सारे यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं और अभी हम देखते हैं कि कैसे ये एग्जैक्टली वर्क करता है। सो गाइज अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं पावर ऑन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे LED आपकी ब्लिंक हो रही है और गाइज यहाँ पे आपको जो है LED प्रोजेक्टर का यहाँ पे नाम आता है। बस यहाँ पे आपको जो है फोकस एडजस्ट करना है, तो यहाँ मैं फोकस एडजस्ट करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फोकस एडजस्ट हो चुका है और ये लगभग जो स्क्रीन यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है वो है लगभग 40 इंच की स्क्रीन। सो काफ़ी बढ़िया और बड़ी ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे मैं जाता हूँ उसके मेन्यू में। सो मेन्यू में आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जैसे HDMI, AV, USB, SD कार्ड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले SD कार्ड सेलेक्ट करते हैं। सो गाइज SD कार्ड में मैंने इसमें कुछ म्यूज़िक और फोटो भी डाले हैं, तो यहाँ पे मैं मूवी पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखने मिलता है SD कार्ड, इसे मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे एक फाइल, यहाँ पे मैंने गिव अवे का वीडियो अपलोड किया था, सो इसे मैं ओपन करता हूँ। ओके सो ये वीडियो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे जो दूसरी वीडियो है मैं उसे ओपन करने का ट्राई करता हूँ। ओके तो ये वीडियो भी नहीं ओपन हो रहा, शायद इसका जो फॉर्मेट है सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे हम बैक करते हैं और जाते हैं दूसरी चीज़ में जो है USB। सो यहाँ पे USB में मैंने वही सेम वीडियो अपलोड किया था गिव अवे का। सो वापस मैं ट्राई करता हूँ, शायद इसमें नहीं प्ले होगा, हम लोग ट्राई करते हैं। ओके तो नहीं प्ले हो रहा, मतलब इसमें जो है वो फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, USB में हम लोग ने म्यूज़िक भी अपलोड किया था, तो उसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं। सो गाइज आप सुन सकते हो इसका साउंड, गाइज इसमें से साउंड आ रहा है, काफ़ी बढ़िया और लाउड साउंड है। मैं माइक इसके नज़दीक लेके जाकर आपको सुनाता हूँ। तो गाइज आप सुन सकते हो इसका साउंड और गाइज इसमें है आपको साउंड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है। तो अभी जो है इसका वॉल्यूम मैं कम करता हूँ, आप सुन सकते हो कम वॉल्यूम में भी कितना अच्छा साउंड आ रहा है। और अभी मैं मैक्स वॉल्यूम करता हूँ इसका। तो गाइज़ काफ़ी बढ़िया इसमें से जो साउंड है वो आ रहा है और इसमें गाइज़ वीडियो नहीं प्ले हुआ बट सॉन्ग जो है इसका प्ले हुआ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं सॉन्ग्स में जाता हूँ और बहुत सारे सॉन्ग्स है बट यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आएंगे तो मैं नहीं प्ले करना चाहता। सो गाइज़ अभी जो हम है दूसरा ट्राई करते हैं वो है HDMI मोड इसका। सो HDMI मोड में यहाँ पे मैंने लैपटॉप इससे कनेक्ट कर दिया है। सो गाइज़ जैसे आप देख सकते हो ये है HDMI मोड और यहाँ पे मैंने लैपटॉप जो है कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेज है वो कम्प्लीटली आ रहा है। बट गाइस यहाँ पे एक ही इशू है कि यहाँ पे लैपटॉप का कम्प्लीट रेजोल्यूशन वहाँ पे पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम जाते हैं वीडियोस में और यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ यहाँ पे। सो गाइस जैसे आपने देखा कि काफ़ी अच्छी इसमें से जो वीडियो की क्वालिटी है वो आ रही है बट यहाँ पे मैं आपको जूम करके बताना चाहता हूँ स्क्रीन में कि यहाँ पे आपको जो है एग्जैक्ट क्वालिटी नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको जो पिक्सल्स है थोड़े फटे फटे से मिलेंगे और गाइस यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी इतना प्रॉपरली नहीं दिख रहा है अगर आप इसे HDMI से कनेक्ट करते हो। बट अगर आप इसके नॉर्मल मोड में चले जाते हो, जैसे कि है फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो USB मोड है, तो यहाँ पे आपको जो भी जो प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट कर रहा है वो आपको काफ़ी आसानी से और इजीली दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज मेरे हिसाब से जिस प्राइस में ये प्रोजेक्टर हमें मिला है उस प्राइस में काफ़ी ठीक ठाक से है।
बस यहाँ पे मैं नाराज़ हूँ क्योंकि HDMI का जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा है। सो गाइस इसको मैं मोस्टली तो HDMI के साथ ही यूज़ करने का सोच रहा था क्योंकि बाकी सारे लोग इतना पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड से इसे कनेक्ट नहीं करते, ज़्यादातर डायरेक्टली इसे HDMI से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे HDMI का जो आउटपुट आ रहा है वो है 720p, बट यहाँ पे आप जो है पढ़ नहीं सकते। बाकी जो है क्लियरिटी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, स्मूथली इसका जो है सारे फीचर्स चल रहे हैं, साउंड भी अच्छा आ रहा है। सो गाइस खाली वीडियो के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो वाया HDMI। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह देना है तो शायद लोग है वो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस LED प्रोजेक्टर का अनबॉक्सिंग, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बजट ये प्रोजेक्टर है गाइज, और इसमें वो सारे फीचर्स है जो एक प्रोजेक्टर में होने चाहिए। और गाइज इसके अंदर आप HDMI, माइक्रो HD कार्ड, USB, किसी से भी आप AV पोर्ट से भी आप इसमें कनेक्शन दे सकते हो। बस गाइज यहाँ पे मुझे एक इसकी जो प्रॉब्लम लगी वो थी HDMI से, क्योंकि जब भी मैंने HDMI से इसे कनेक्ट किया, आपने देखा ही होगा इसकी जो क्लियरिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसके पिक्सल्स जो है बर्स्ट हो रहे थे और मैं प्रॉपरली नहीं रीड कर पा रहा था एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्टर पे लिखा है। सो गाइज अगर आप इसे प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए सोच रहे हो यूज़ करने का तो मेरे हिसाब से ये इतना वर्थ इट नहीं है गाइज। सो गाइज अगर आपको मूवीज़ देखनी है, वीडियोज़ देखनी है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हो, उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए इसे यूज़ करना चाहते हो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो ये इतना वर्थ इट नहीं है गाइज। सो गाइज मैंने इसे खरीदा है 2700 रुपीज़ की प्राइस रेंज में Banggood.com से, और गाइज इतनी चीप प्राइस में वो भी 3000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर आपको ये प्रोजेक्टर मिल रहा है गाइज। सो गाइज एज यूजुअल अगर किसी को ये बाई करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसे बाई कर सकते हो। और दोस्तों एज यूजुअल अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।